बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हो अभी मैं शाखों से उतार रही हूँ, ये है सुहांजना। उर्दू में इसे सुहांजना ही कहते हैं, सिंधी में इसे सुहांजड़ो, बंगाली में सूजना कहते हैं, और मिठी में शुगा, गुजराती में सरगुआ या साजना कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे हार्स रिडेश या मुरंगा फ्लावर भी कहते हैं। तो वह सुहाजने को जो है संवारना बहुत ही मुशक्क़त वाला काम होता है। पहले दरख्त पे चढ़ के इसकी ये मोटी मोटी डंडियां जो है काटो, फिर इन डंडियों से जो है ये छोटी छोटी जो शाखें निकलती हैं जिन पे ये कलियां और फूल लगते हैं, तो फिर इनको जो है तोड़ो। फिर इसके बाद इन जो है डंडियों से इसके ये कलियाँ जो हैं एक एक करके इसको तोड़ना बहुत ही मशक्क़त वाला काम होता है। आज जो है मैं आप लोगों को इजी इसको उतारने का तरीका बताऊंगी। हाँ, अगर आप लोगों को इमरजेंसी है तो फिर आप हाथ की मदद से इसको उतार के आप पका लें, अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप लोग मेरे तरीके से इसको उतारें। इससे जो है आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और सुहाजना जो है ये कलियाँ जो हैं ईजी उतर जाएंगी। तो वह सुहाजना जो है ये सारा मैंने डंडियों से उतार लिया है, अब इसे हाथ की मदद से आप उतारें या मेरे तरीके से उतारें। इमरजेंसी में मैं भी हाथ की मदद से इस तरह जो है उतार लेती हूँ हाथों पे ऐसे मसल मसल के। इस तरह जो है हाथों से मसलने से हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, अगर मैं जो आपको तरीका आज बताऊँगी उससे जो है आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और इजी से जो है सुहांजना भी उतर आएगा। सुहांजने को पैक करने से पहले आप इसके अंदर जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे वो निकाल लें, ताकि बाद में आपको इसको साफ करने में मुश्किल ना हो। तो वह सुहाजने से जो पत्ते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने लिया है ये शापर, इस तरह का जो है आप भी शापर लेना है, फटा हुआ ये बिल्कुल ना हो। इसमें सारा सुहाजना जो है आप लोगों ने पैक कर लेना है। शापर में डालने के बाद इसे हाथ की मदद से आप अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें, ख्याल करें कि ये शापर जो है फटे ना। शापर के अंदर की हवा भी निकाल लेनी है और इस तरह जो है इसको बंद कर लेना है। इसे बंद करने के बाद आपने कोई पुराना कंबल या कोई गिंदी वगैरह या कोई भी गर्म कपड़ा लेना है, मैंने ये गिंदी ली है, इसमें लपेट के जो है मैं इसे रख दूंगी। अभी शाम के 5 बजे का टाइम है, सारी रात ये पड़ा रहेगा ऐसे ही बंद, तो सुबह जो है नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं इसको खोलूंगी और फिर इसको जो है साफ करूंगी। तो व्यूअर्स, सुबह के जो है मैंने सारे काम कर लिए हैं, अब सुहाजना जो है इसको देखते हैं कि ये उतरा है या नहीं। ये देखिए, ये सुहाजना जो है सारा उतर गया है, डंडियों पे एक दाना भी नहीं बचा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और हमें खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करते हो और वीडियो को पसंद भी करते हो। तो व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।